आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। 15 दिन से बिहार के अंबेडकर यूनिवर्सिटी को सुनिए, बहुत सीरियस मामला है। अगर आप हार्वर्ड अवार्ड में चले गए तो और ध्यान से सुनिए। बिहार के अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र मैसेज कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा आप करवा दीजिए, मेरा काम है। इनकी संख्या 5-10 हजार नहीं है, 2 लाख है। बीए फर्स्ट पार्ट वन में 1 लाख छात्र हैं करीब, और बीए पार्ट टू में 1 लाख है। क्या 2 लाख छात्रों की जिंदगी से जुड़ा मामला इस वक्त देश के लिए बड़ी खबर नहीं है? क्या मंत्री का पुशअप करना, सांसदों का पुशअप करके इधर उधर जादूगरी करना ये जरूरी है? 2015 में जिसने एडमिशन लिया था, जिन छात्रों ने, उसकी एक ही साल की परीक्षा हुई है। 2018 बीतने जा रहा, आधा बीत गया, जबकि अभी तक 3 साल की परीक्षा पूरी हो जानी चाहिए थी, बीए पूरा हो जाना चाहिए था। 2016 और 2017 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनकी एक साल की भी परीक्षा नहीं हुई है। यह मजाक सिर्फ भारत के छात्रों के साथ हो सकता है और न्यूज चैनलों पर प्रोपेगेंडा दिखाकर जनता के साथ हो सकता है। सुमन सौरभ, शशि रंजन, कौशल किशोर की मदद से हमें ये छात्रों की प्रतिक्रियाएं मिली है। कौशल किशोर के अलावा छात्रों ने भी किसी तरह से अपने कैमरे से इस धूप में सब कुछ रिकॉर्ड कर भेजा है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी देख के ठीक लगेगा कि यहां एडमिशन ले ही लो, सड़क भी अच्छी है, मगर इसका रिकॉर्ड क्या है? छात्रों को देखिए, अपने इन सामान्य कमरों में चुपचाप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, कितना धीरज है इनमें। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी इनके साथ क्या कर रही है? दुनिया में आप कोई एक देश का नाम बता सकते हैं फ्रॉम घाना टू रसिया, जहां 3 साल का बीए के कोर्स में एक भी इम्तिहान ना हुआ हो 4 साल बीत जाने के बाद? कायदे से वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के सारे सीनियर स्टाफ को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। मगर हो क्या रहा है? पहले और दूसरे वर्ष के छात्र क्या उस महान भारत में नहीं है जिसका आजकल मंत्रियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम हो गया है, जैसे पहले था ही नहीं? इनकी जिंदगी जो बर्बाद हो रही है उसके लिए कौन सा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? हम लोग का जो सेमेस्टर वाइज है बीबीए, लेकिन वो 1 साल में हो रहा है, सेमेस्टर के हिसाब से नहीं हो रहा, 6 मंथ पे वो 1 साल में हो रहा है। इस हिसाब से तो हम लोग 6 साल में बीबीए पास कर रहे हैं। 2015 से 18 के बीच में मेरा कोर्स फाइनल हो जाना चाहिए, ग्रेजुएशन का, जो अभी तक नहीं हुआ है। अभी तो समझिए कि पार्ट टू का भी एग्जाम नहीं हो पाया है। थर्ड पार्ट का जो है आपका रिजल्ट आज हो जाना चाहिए, ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हो जाना चाहिए। मैं बीए पार्ट वन पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरा सेशन जो है 0 सेशन हो गया है। मुझे पढ़ाई के लिए पेरेंट्स मेरे रुपया नहीं दे रहे हैं कि मैं पढ़ सकूं आगे। मुझे अपने स्टूडेंटों से, विद्यार्थियों से सहायता लेकर पढ़ना पड़ रहा है, रुपया लेकर। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग जानते हैं क्या कि एक टेक्निकल कोर्स है, जहाँ पे बायोलॉजी में तरह तरह के रिसर्च होते हैं, उनसे रिलेटेड पढ़ाई यहाँ होती है। सबसे पहले एक टेक्निकल कोर्स होने के नाते यहाँ पे प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल की बहुत कमी है। प्रैक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल बेसिस, प्रैक्टिकल जो बायोटेक की होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होती नहीं है। पढ़ाई की व्यवस्था है वो नियमित रूप से उतनी होती नहीं है, कभी जो सिलेबस है वो कंप्लीट होती है, कभी नहीं होती। दूसरी है हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी विनम्रता की वो जो कोर्स हम लोग का 3 साल का है वो 4 साल में कंप्लीट कराती है बीएससी की, और पीजी के जो कोर्स है 2 साल की वो उसको कंप्लीट कराती है 4 साल में। नियमित रूप से एग्जाम नहीं लेती, नियमित रूप से रिजल्ट नहीं देती है। अब बताइए इन छात्रों ने क्या किया है, ऐसा इनका क्या गुनाह है कि इनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है? इसीलिए आपको नेता तरह तरह के हरकत कर रहे हैं, फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे बनाने को ही विकास मान लेते हैं, वो तो बन जाता है, लेकिन जहां 2 लाख छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो रही है वहां कोई मंत्री क्यों नहीं खड़ा है? वहां कोई जाकर क्यों नहीं उनके बीच जाकर रोड शो करता है कि हम आपके लिए आए हैं, व्यवस्थाएं ठीक करेंगे? एक छात्र नेता को भी हमने पकड़ा, पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करते हैं मगर रिजल्ट नहीं निकलता है, ना परीक्षा का रिजल्ट निकलता है ना आंदोलन का रिजल्ट निकलता है। बल्कि छात्र ने भी, नेता ने भी 2016 में एडमिशन लिया है, वो कह रहे हैं कि एक भी इम्तिहान नहीं हुआ, 2018 की मई है। डीसी महोदय से भी कई बार मुलाकात किया है, लेकिन वे सिर्फ आश्वासन हमें देते हैं, लेकिन और वे एग्जाम सिर्फ आश्वासन देते हैं कि इतने दिन में एग्जाम हो, लेकिन वे कभी एग्जाम का तिथि तय नहीं करते हैं। और कई बार आंदोलन भी हम लोगों ने किया है, लेकिन अभी तक कोई इसका रिजल्ट नहीं आया है। इस तरह से छात्रों का भविष्य अंधकार में डूबते जा रहा है। इन छात्रों का चार्टर क्या होना चाहिए? क्या हवाई यात्रियों का ही चार्टर होना चाहिए, उनके ही अधिकार का चार्टर होना चाहिए? जहां एक यूनिवर्सिटी ने लाखों छात्रों को इस तरह बर्बाद किया है उसका मुआवजा क्या होना चाहिए?
कुल सचिव ने फोन पर बताया अमितेश को कि जून तक इनकी परीक्षा हो जाएगी, मगर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। ये 24 मई को आप प्राइम टाइम देख रहे हैं, आप बताइए कि 24 मई को जून में परीक्षा होगी, इसका ऐलान हो सकता है क्या? कोई भी समाज या नागरिक समाज कैसे इस समस्या को हल्के में ले रहा है? 2 लाख छात्रों की परीक्षा ना हो, 3 साल के बीए में एडमिशन हो और 2 साल तक परीक्षा ना हो और 3 साल का बीए 6 साल में हो, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा और किसकी तय होनी चाहिए? अगर कोई यह समझ रहा है कि ये सभी 2 लाख छात्र अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं वैसे ही जैसे टीवी चाहता है, चैनल के एंकर चाहते हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, तो हो सकता है कि आप गलत भी हो। इंग्लिश ऑनर्स से मेरा एडमिशन है, अभी तक शिक्षा ग्रहण करने के नियत से यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं है, लेकिन जल्दी शिक्षित बेरोजगार, अगर इसी तरह से बिहार विश्वविद्यालय चलता रहा तो शिक्षित बेरोजगार भी बन जाऊंगा। अगर मीडिया की बात करें तो बहुत सालों के बाद मीडिया स्टूडेंट की बात पूछने आई है, नहीं तो पाकिस्तान मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसी समय पूरा मीडिया पूरा दिन लगे रह जाता है। वैसे IPL भी चल रहा है तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं जिस दिन हम लोग टॉप कर जाते हैं तो आप लोग आते हैं बिहार के लड़के से क्वेश्चन पूछने, आज यूनिवर्सिटी नहीं चल रहा है अब कोई मीडिया क्यों नहीं आता हमारे सामने? वो तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा रवीश कुमार के प्राइम टाइम की, कम से कम इतने लेवल के मीडिया होके उन्होंने टाइम दिया हमें स्टूडेंटों को, और ये भी मीडिया तक अगर बात पहुंच जाए तो एक बात याद रखिएगा, अभी अगर हम जाति के नाम पे कहें, धर्म के नाम पे कहें, तो सभी आदमी जाकर रैली निकाल देंगे, लेकिन कहेंगे चलो बिहार यूनिवर्सिटी को कुछ बड़ा करना है उसके नाम पे, तो कोई भी पार्टी नहीं आएगा, ये सही है। तो जब तक हमारे देश में IPL ये सब चल रहा है उसी में आदमी इंजॉय है डेली। आज पता है आपको शिक्षित बेरोजगार हम हो रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है जियो के चलते, रोज 1.5 GB मिल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। मैं कहना चाहूँ कि अगर जब तक छात्र की बात हो तो यहाँ जाति वाति ना करें और सेशन कुछ बहुत करें नहीं तो। और हाँ, सबसे पहले जो अगर वीडियो देख रहे हैं बोले बिहार के लड़कों को इंग्लिश नहीं आती, देन आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश ऑनर्स है और 2 साल से पढ़ रहा हूँ, एक बार एग्जाम नहीं दिया, मौका मिले तो अगले साल अपना ट्यूशन भी खोल सकता हूँ।